मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हमारी जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, उसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर करवा रही हूँ, जिसके अंतर्गत हम पाठ्य पुस्तक तथा उससे संबंधित बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो हमारी पिछली क्लासें हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो RBC CBSE द्वारा निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है रसायन विज्ञान की, उसमें उसके हमने क्या करी थी, समालोचनात्मक विश्लेषण करा था। अर्थात हमने ये देखा था कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो किस प्रकार की होनी चाहिए तथा कैसी होनी चाहिए। अर्थात हमने उसके दो शब्दों दो की है जो समीक्षा करी थी कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो बच्चों की आयु स्तर के अनुसार होनी चाहिए तथा उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसका कवर कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों को हमने ध्यान दिया था। इसके अतिरिक्त हमने फिर उसके मानदंड देखे थे। मानदंड से हमारा तात्पर्य था कि कोई भी पाठ्य पुस्तक जो बच्चों के लिए बनाई जा रही है या दी गई है उसमें किन किन बातों का समावेश होना आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों को उचित उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो सके। तो हमने उसके सामान्य मानदंड भी पढ़े, इसी के साथ साथ में हमने NCERT द्वारा जो निर्धारित मानदंड थे वो भी देखे। ठीक है, अब आज हमारा टॉपिक है RBSC CBSE द्वारा निर्धारित रसायन विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों का पूर्ण निरीक्षण। पूर्ण निरीक्षण का तात्पर्य है कि आज हम देखेंगे कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अब तक जो कमियां थी या फिर जो भी कमियों की हमने बातचीत करी, क्या वह कमियां या फिर जो जिनकी हमने बात करी थी या उनके जो दोष हमने देखे थे, क्या वह दोष पूर्ण रूप से समाप्त हुए या नहीं हुए, इसके बारे में हम जो है हमारे रसायन विज्ञान की पुस्तक की जाँच करेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपकी फर्स्ट इकाई का सबसे लास्ट टॉपिक भी है, यानी कि जब हमारे ये टॉपिक हो जाएगा तो हमारी फर्स्ट इकाई जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो हमारा आज का टॉपिक आता है RBSC CBSE द्वारा निर्धारित रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का पुनः निरीक्षण। हमने पहले जब उसकी समालोचना करी थी तो उसमें हमने उसकी कमियां, दोष, गुण जो भी बाकी थी वो सब बातों को ध्यान में रखा था। अब हम देखेंगे कि जो जो कमियां हमने निकाली जाने लगा है। अगर हम बच्चों को केंद्र मान के उन्हें शिक्षण दे रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है
लेखकों ने किया है। Yeah,
और